हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश किया। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों और विधायकों से सुझाव भी मांगे थे। बजट से उम्मीद जताई गई थी कि चुनावी साल होने के कारण बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं। सीएम मनोहर लाल ने 5 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ करने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं, उनका किसानों का ब्याज और पेनल्टी माफ होगा। सीएम ने आगे कहा कि मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द को समझता हूं। मनोहर लाल ने आगे कहा कि मैंने खुद हल चलाया है और खेती की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट पेश करते हुए कहा, मुझे खुशी हो रही है कि हम हमेशा राजकोषीय मानकों को विवेकपूर्ण मानकों के अंदर बनाए रखने में सफल रहे हैं। मुख्य वर्ष 2024-25 के सकल घरेलू उत्पाद के लिए 2.77% राजकोषीय ग्रीन हाउस का प्रस्ताव करता हूं, जो कि 3% अनुमेय सीमा के भीतर सीमित है। मुझे सम्मानित सदस्य को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम हमेशा राजकोषीय मानकों को विवेकपूर्ण मानकों के अंदर बनाए रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% की जो परमिटेड सीमा है उसके मुकाबले जीएसडीपी के 2.8% पर सीमित किया गया है। मैं वर्ष 24-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77% राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि 3% की जो हमारी अनुमेय सीमा है उसके अंदर सीमित है। सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल हुए हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण सकल घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान अनुपात 26% है, जो कि 33.1% के नॉर्म्स में निर्धारित सीमा में है। वर्ष 24-25 के लिए ऋण स्टॉक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15% अनुमानित है, जो 32.8% के निर्धारित मानदंडों से काफी कम है। हम राजकोषीय विवेकशीलता अपनाना जारी रखेंगे, क्योंकि सतत आर्थिक विकास का यही एकमात्र